उम्मीद तो थी, उसीलिए तो फिल्म बनाते हैं। उम्मीद नहीं होगी तो फिल्म कैसे बनेगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जिस हिसाब से जो चल रही है और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं, आई मीन या थोड़ा उम्मीद से आगे। नहीं, इट्स नॉट दैट यार, जस्ट के क्या है, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये है कि ये फिल्म एक यूनिवर्सल फिल्म नहीं है, इट्स नॉट अ यू फिल्म, इट्स नॉट अ फैमिली एंटरटेनर सो दैट यू गेट द बिग नंबर्स। अडल्ट फिल्म है, बहुत सारी फिल्म में मार धाड़ है, वायलेंस है, ब्लडशेड है, फिल्म में गालियाँ हैं, सो ऑब्वियसली उसका मार्केट लिमिट होता है, ऐसी फिल्म का मार्केट लिमिटेड होता है। और वो फिल्म को भी इस तरह से आगे स्कोर कर जाना, I think that makes it all of us very happy. खंडाला चले क्योंकि ये मेरी फिल्म है और मेरी हर फिल्म में बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं। और रिले रुका यार, मेरी फिल्म है और मेरी जितनी भी फिल्में हैं अक्सर उनमें विवाद खड़े होते हैं, कोई ना कोई विवाद तो हो ही जाता है और अभी भी हो रहे हैं, बट ठीक है। अगर विवादों की बात ही कर रहे हैं तो विवादों में सबसे बड़ा आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें है कि दो दिन के बाद संजय बाबा जी, एक कुछ अगर आप कहना चाहें तो लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, क्या नहीं, आई डोंट थिंक ये सही प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात करने का। एंड हम सब हेल्पलेस हैं, हम सब अपसेट हैं और बहुत ही दुखी हैं कि ये हो रहा है, पर हम में से कोई भी कुछ कर नहीं सकता। गुप्ता साहब, जब से फिल्म का प्रमोशन चल रहा है और जब तक रिलीज हुई ना, तब तक मेरे जहन में एक सवाल था, हाँ आज वो सही मौका है पूछने का, कि कंगना रनौत को क्यों इतना अलग कर दिया आपने? हम लोगों ने पूरा बिल्कुल नहीं है, वो एक नहीं, वो एक देखिए, यही बात मैं रिलीज के पहले भी बोल रहा था और अब भी बोल रहा हूँ कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस फिल्म की जो हीरोइन है, जो फीमेल लीड है, वो कंगना रनौत है, बाकी जो हैं वो गेस्ट एक्ट्रेसेस हैं, गेस्ट स्टार्स हैं, सो या शी इज द स्टार ऑफ। लेकिन स्टार को आपने पोस्ट किया? I don't think so. It's a male driven film and you know, marketing call है जो marketing team का, I go with that. I don't question that. Definitely. Thank you very much. Thank you, yeah. Thank you so much. अभी इधर आ गए हमारे पीछे, मनिया मनिया आगे नहीं आई, बस कौन थोड़ा आगे, जोन थोड़ा आगे आगे, थैंक यू सर, एक फोटो जॉन सोलो जॉन सोलो 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 जॉन, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, कैमरा रूम सेंटर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बहुत बड़ी सक्सेस है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? रोल रोल जॉन, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, कैमरा रूम सेंटर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बहुत बड़ी सक्सेस है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी पहली बार ऐसे सक्सेस पार्टी पे आ रहा हूँ, आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, रिलीव्ड हूँ, क्योंकि क्या कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, ऑडियंस से जो मुझे अप्रिसिएशन मिला, क्रेज से मुझे जो
अप्रिसिएशन मिला है. आई एम वेरी रिलीव्ड, मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट. जब आप ये फिल्म कर रहे थे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, आपको लगता है कहीं ना कहीं आप खड़े उतरे उस लेवल पर सक्सेस के बाद? नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ क्योंकि इस फिल्म के बाद जिस तरीके से मुझे फीडबैक मिला है, शायद इसके पहले मुझे सिर्फ विकी डोनर से मिला है एज अ प्रोड्यूसर, और ये पहली बार एज एन एक्टर इतना सारा फीडबैक मिल रहा है मुझे. एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी, और मैं क्रेडिट संजय गुप्ता को देना चाहता हूँ क्योंकि हर एक एक्टर के पीछे एक डायरेक्टर होता है, और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसे काफ़ी डायरेक्टर्स हैं जो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, जैसे संजय गुप्ता, निशिकांत कामत, कबीर खान, सुजीत सरकार, बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स. अगर एक बात की बात करूं 2013, so don't you think this year has been gone little lucky for you, blockbuster back to back and success? Well, lucky as in I've worked hard for it also. But yeah, they said that there are three biggest openings. Usme se do mere hain, Race 2 aur Shootout. लेकिन शूटआउट मेरे बहुत करीब है क्योंकि वो मेरी फिल्म है, सो आई फील वेरी स्पेशल. वेल, आई नीड टू गेट बैक टू वर्क. आई एम स्टार्टिंग वेलकम बैक नेक्स्ट मंथ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. सो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन. या आई पर्सनली लव संजू टू मच टू रियली कमेंट ऑन दिस. मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, सो आई रियली वुडंट गेट इन टू कमेंटिंग ऑन दिस. प्रॉब्लम हियर इज मैं पीता नहीं, सो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. आई हैव शैंपेन वंस इन अ वे, वंस इन टू ईयर, वंस इन अ ईयर एक ओकेजन पे थोड़ा शैंपेन पी लेता हूँ, दो सिप, बट आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ अल्कोहल, सो आई थिंक आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम with the drinks. Thank you very much, sir. Thanks, buddy. John, aapne ek typical metrosexual man kiya, to Maniya Surve jo hai, wo ek typical rural man. To aapko kya lagta hai ki do you think this Maniya character change hua hai? Although public ne aapko accept kiya hai, to aap further is tarah ke role karenge? Definitely. Sanjay Gupta ke saath jo hamari agli film hai uske baad, pretty much similar. काफ़ी इंटेंस स्टोरी है. निशिकांत कामत के साथ जो फिल्म कर रहा हूँ मैं, बहुत ही इंटेंस है, और मुझे ऐसे रोल्स बहुत पसंद है, तो आई होप आई कैन कीप एंटरटेनिंग द ऑडियंस. आई थिंक आई कांट प्ले द क्विंटेसेंशियल हीरो, सो इट्स ऑलवेज गुड टू प्ले एंटी हीरो रोल्स. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो शूज ऑर्डर पर डाला इतनी बड़ी हिट गई है, और उसके अलावा मेरा गाना आला रे आला लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. फील्स अमेजिंग. कुछ अरसे के बाद स्क्रीन पे आई हूँ तो रिस्पांस इतना अच्छा मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है. फाइनली अंदर सेलिब्रेशन होने वाला है और आपके गाने पे शायद से डांस होगा, तो क्या दो वर्ड अगर आप गुनगुना सके? दो लाइन हो जाए. आग लगी है, धुआं उठा है, इश्क मोहब्बत वाला, किसने मेरी जान चुरा ली, किसने मार डाला, आला रे आला, मान्या आला, आज से होगा अब उनका बोलबाला. थैंक यू.
तो सर मैं तो मुबारकबाद, और वाकई में अगर कहा जाए इस समय आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टार साबित हो रहे हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू टू कॉल मी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टार, लेकिन आपने चैनल को बोला बोलने के लिए, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं सक्सेसफुल? बस आई एम लकी आई गेस कि अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला, और कुछ सही फिल्में की, और उनमें से एक है शूटर बडाला जो अभी सेकंड वीक में भी स्टडी जा रही है। तो बॉम्बे और महाराष्ट्र खासकर में तो बहुत ही बढ़िया जा रही है, थैंक्स टू द ऑडियंस इन महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर द कंट्री। बस ये बरकरार रहे, एक और सक्सेस पार्टी का भी सीक्वल हो जाएगा। तुषार अगर बात करें अभी जा रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है आपकी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? थैंकिंग द ऑडियंस, थैंकिंग संजय गुप्ता, थैंकिंग बालाजी, थैंकिंग ऑल माय को-स्टार्स, कि शेख मुनीर को उन्होंने सहायता दी, शेख मुनीर को सपोर्ट किया, शेख मुनीर को शेख मुनीर बनाया। तुषार अगर बात करें इस फिल्म की, तो लगातार विवादों में घिरी हुई थी, लेकिन इसकी धमाकेदार ओपनिंग, विवाद लगातार घिरे हुए थे इस फिल्म से, तो विवादों से क्या होता है आजकल, एक हर सुबह एक नया विवाद, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, नया विवाद थोड़ा खुल जाता है। बस फिल्म को लेकर अगर कोई विवाद हुए तो अच्छा है, मतलब फिल्म नहीं रुकी, रिलीज हो गई, चल गई, शायद विवादों से फायदा हुआ, और विवाद खड़ा कर दो, बस फिल्म को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुषार बहुत सही कहा आपने, हर सुबह एक नया विवाद आता है, आज सुबह भी एक नया विवाद आया कि बालाजी के जो सी है उन्होंने कुछ जो हमारे सीए थे वो जो मैं यही कहूँगा कि जब चोर पकड़ा जाता है तो जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो उसको चोर बनाने की कोशिश करता है, बस गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, और कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। मुबारकबाद, जब भी आप ऐसी फिल्म से जुड़ी तो आप हमेशा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, आप क्या मानते हैं? आई थिंक गैंगस्टर्स मेरे लिए काफ़ी लकी हैं, और मेरी जो फिल्म थी गैंगस्टर वो भी काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी, जिससे मेरा लॉन्च हुआ था 2006 में, और अब उसके बाद फिर वंस अपॉन अ टाइम आई, और फिर अब शूट आर एट बडाला। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की फिल्में होती हैं उसमें लोग मुझे काफ़ी सराहते हैं। कंगना, मतलब जब से फिल्म का प्रमोशन चला तब से मेरे जहन में था सवाल पूछा, लेकिन आप मुलाकात नहीं हो पाई, क्यों आप इस प्रमोशन और इन सब फिल्मों से इतना दूर क्यों रही? देखिए वो तो जो भी प्रोड्यूसर हैं उनका डिसीजन है कि वो फिल्म को कैसे प्रमोट करना चाहते हैं, और जिस चीज़ में यू नो एक्टर अपना कोई दखल अंदाजी नहीं करना भी नहीं चाहिए और करते भी नहीं हैं, खासकर मेरी तरह, तो वो तो आपको जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो आपको वही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। कंगना, पूरी इंडस्ट्री में आप काफ़ी प्रोफेशनल एक्टर के रूप में जानी जाती हैं, आप काम बड़े दिल लगाई करती हैं, बट ये कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि फिल्म की मुख्य अभिनेत्री मैं हूँ, फिर भी प्रियंका चोपड़ा और सोफी चौधरी इन सब के पोस्टर्स लग रहे हैं, बस मेरे नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इनमें तो ऐसा दुख करने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन आई थिंक जो फिल्म के लिए अच्छा है, फिल्म के लिए बेहतर है, वही होना चाहिए, और खासकर जब आप मैच्योर हो जाते हैं, अब मैं 17 साल की थी जब से मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो इतना एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फिल्में आती हैं जाती हैं, और फिल्में सब कुछ नहीं होती, एक इंसान की और भी ज़िंदगी होती है, जैसे आपका काम है इस काम के सिवाय आपकी भी और ज़िंदगी है, तो फिल्में हमें हमारे पर्सनल जिंदगी में इतना अफेक्ट नहीं करती। जो कौन सा डायलॉग है इस फिल्म का जो आपके ज़हन में आज भी घूमता है इस फिल्म का, कोई हो जाए? आई थिंक वो जो डायलॉग है मेरा और जॉन का के, और झगड़ा तब होता है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। अच्छा कंगना, एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं, 2 दिन के बाद संजय साहब जेल की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लेट्स स्टिक टू दिस थिंग, इफ यू कैन जस्ट से बिकॉज़ यू वर्क मैडम, सामने यहाँ पर मैम, सेंटर से यहाँ पर यहाँ पे
गंगा जी यहाँ पर, गंगा जी यहाँ पर, गंगा जी यहाँ पर, गंगा जी यहाँ पर, थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक नया लगाव हासिल किया, सक्सेसफुल हो गई, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हर एक एक्टर इसी दिन का इंतजार करता है जब यू वर्क यू नो 365 डेज एंड फाइनली फिल्म रिलीज होती है और ऑडियंस को पसंद आती है। आई थिंक रिएक्शंस हैव बीन रियली एनकरेजिंग और लोगों ने पसंद किया, तो आई एम रियली ग्लैड दैट यू नो फाइनली पीपल हैव लव्ड द फिल्म। बड़ा टफ टाइम था सोनू आपके लिए, आपके पहले भी काफी चले, उसके बावजूद आपने शूटिंग कंप्लीट की और सफर रहा मुश्किल था एक्चुअली, सफर निकलना बहुत मुश्किल होता है यू नो जब इतनी जोर से लगाओ, बट गॉड इज़ बिन काइंड, फाइनली आई रिकवर्ड नाउ, वापस शूटिंग शुरू हो रही है अगले हफ्ते से, वापस प्रभुदेवा सर की फिल्म मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मुश्किल दौर जरूर था बट आई थिंक सीखने का बहुत कुछ। आपके अलावा भी फिल्म की बात करें तो फिल्म शुरुआत से विवादों में गई है, कभी नाम चेंज हुए, कभी डायलॉग चेंज हुए, कभी गाने कटे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी हिट हो रहा है सोनू, कहीं ना कहीं क्या मानते हैं इसके लिए? मुझे लगता है फिल्म की क्वालिटी जब होती है खुद ब खुद ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि कितनी जेन्युइनली डिजर्व करती है फिल्म हिट होना, या बहुत सारे चेंजेस रहे, कभी नाम चेंज हुए, कभी डायलॉग्स, बट फाइनली यू नो एंड रिजल्ट अच्छा रहा, लोगों को पसंद आई और पूरी जनता ने उसे एक्सेप्ट किया है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और आई एम ग्लैड कि संजय ने यू नो इतने साल बाद फिल्म बनाई और इतनी कमाल की फिल्म बनाई। संजय अगर सुनो आपकी बात करें तो जिस हिसाब से मीडिया ने आपके फैंस ने आपको एक टाइटल दे दिया है जी दाऊद का, जी तो कैसा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं नया टाइटल नो बीइंग अ दाऊद ऑफ द बॉलीवुड? आई थिंक जब लोग आपको आपके किरदार के नाम से जाने लगते हैं तो आपको लगता है कि आपने इंसाफ किया है अपने रोल के साथ, और भैया जी स्माइल अभी भी आप लोग बोलते हैं, और अभी दिलावर दाऊद जो भी नाम आप बोले उन्हें उसके उसके नाम से जाना है, उनसे कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस हुई है, लोगों ने पसंद किया है, एंड आई एम ग्लैड, और कोशिश करूँगा कि अगली फिल्मों में भी लोग जो भी रोल करूँ उसे अपनाएं और उन्हें ऐसे ही बढ़ावा देते। मैं हम आई थिंक पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ है, मैं भी बिल्कुल खड़ा हूँ, बहुत कमाल के इंसान हैं, बट मुश्किल दौर है, फैमिली को सबकी ज़रूरत है सपोर्ट की, हम सब खड़े हुए, बट पहले भी वो यू नो एक लड़ाई लड़कर बाहर आए और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, बहुत अच्छे इंसान है और डेफिनेटली ये दौर समय भी कटेगा और आई एम श्योर ही विल कम आउट एज अ विनर। थैंक यू सो मच। How's your leg now? Better, better. Sonu, Nitesh. No. Thank you. सीन कट करके जब गुप्ता ने हमें भेजा और तो एक ऐसा होता है कि अंदर से हम एक्टर्स इतने सालों से काम करें कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि खुशबू आ जाती है कि फिल्म अच्छी बन रही है, और मैं इतना कहूँगा कि ये फिल्म जब से हमने शुरुआत की पहले दिन से ही ऐसा लगा कि ये धीरे धीरे एक अच्छी फिल्म बन रही है और ये कामयाबी की तरफ जा रही है,
और आज ये फिल्म कामयाब है लोगों को, कामयाब से ज़्यादा ये है कि लोगों को बहुत पसंद आ रही फिल्म। और ये कैसे पता चलता है कि बहुत लोगों को पसंद आ रही है कि लोग ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन आए, ऐसे मैसेजेस आए, बातचीत हुई कुछ, यू नो क्या, इतने साल में काम करने के बाद तो यार ये तो चलो ठीक है, इसको तो आदत है यार, चलो यू नो इतने सालों से इसको क्या फ़ोन करना, और फिर भी ये फिल्म में इतनी ताकत है और सब ने इतना अच्छा काम किया, जॉन ने, सोनू सूद, तुषार, मनोज, आई थिंक एवरीबडी इज डन अ ग्रेट जॉब एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। जब से फिल्म बनी है तब से किसी ना किसी विवादों में घिरती रही, कभी नाम चेंज हुए, कभी डायलॉग चेंज हुए, कभी गाने में से कुछ बोल कटे, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सक्सेस होना आपको लगता है क्या? हाँ, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें बहुत हुई हैं हमारे साथ, काफ़ी मुश्किलें भी आई, ये सब हुआ, मगर हमने कभी भी उसको हम दुखी या अपसेट या डिप्रेस नहीं हुए, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस था कि हम लोग की हमारी नीयत साफ़ है, हमारी इंटेंशन साफ है इस फिल्म के बारे में, तो हम लोग कभी किसी चीज़ से घबराए नहीं। मगर यहाँ हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहा, मगर हमने उसको हमेशा हंसते हुए उसका सामना किया। सही घबराहट की बात करें, लेकिन आपके, लेकिन कल जगदीश माली का निधन हुआ तो उनके कंडोलेंस में बोल सकते हैं? जगदीश साहब के साथ मैंने काफ़ी फोटो सेशंस किए हैं और ही वाज अ वेरी नाइस मैन, बहुत ही अच्छा आदमी था एंड बहुत ही इसका मेरे काफ़ी फोटो सेशंस किए और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक द होल इंडस्ट्री इज गोइंग टू मिस इट। अगर अनिल जी इस फिल्म की बात करूँ तो बड़े खतरनाक खतरनाक डायलॉग आपने मारे, कोई एक जो याद हुआ कुछ मिला है सक्सेस पार्टी के समय? अभी क्या, अभी फिल्म लग गई है, रिलीज हो गई है, सक्सेस हो गई है, बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं जो लोगों को बहुत पसंद आए। जैकी संग आपने करा था तो कितना उन कितने में बिके उसमें सही काम? अच्छा, वो अच्छा लगा आपको? हाँ नहीं, अच्छे, बहुत अच्छा मिला आपने, बड़ा यू नो बहुत इज रिटन वेरी वेल, और मुझे खुशी इस बात की है कि सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई है इस पूरे फिल्म में तो वो है मिलाप जरूर, यू नो उसका फ़ोन का बिल बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, क्योंकि वो SMS और BBM और फ़ोन कर करके सबको थक गया है कि इतनी यहाँ बिजनेस ऐसा हो रहा है, वहाँ बिजनेस ऐसा हो रहा है, उसने ये तारीफ़ की, उसने ये तारीफ़ की, तो उसके यू नो फ़ोन बंद नहीं हो रहा है। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे दो, इसके बारे में मैं कह चुका हूँ और मैं फिर यही कहूँगा कि आई थिंक ही कम बैक मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड मुझे तो ऐसा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा हर चीज़ में, कुछ मैं तो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता हूँ। लास्ट मेरी जब उनसे बात हुई थी, राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे और उन्हें फ़ोन करके मुझे यही कहा था कि अनिल यार लेट्स डू अ फिल्म टुगेदर अगेन, तो जैसे वो यू नो जैसा मौका मिलेगा, जैसी कोई स्क्रिप्ट होगी तो मैं तो सबसे पहले उनके साथ ही फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, आपने रांझना का प्रोमो देखा, कैसा लगा रांझना का प्रोमो? भाई सबको पसंद आ रहा है, मैं यू नो मैं मेरे से पूछूं, मैं गलत आदमी से पूछूं, मुझे तो अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं, उन्होंने बताया था। नहीं मगर सबको पसंद आ रहा है, सबको पसंद आ रहा है, और बाकी जेन्युइनली बहुत अच्छा है, उसका संगीत बहुत अच्छा है, उसका धनुष और सोनम की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और एक एक मासूमियत है, एक एक पैशन है फिल्म के अंदर जो नज़र आता है, और काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसी अर्दी लव स्टोरी आ रही है तो लोगों को पसंद आई। लास्ट टाइम सोनम से मुलाकात हुई तो आपसे काफ़ी नाराज़ है, कहती है पापा को जब भी प्रोमो दिखाओ तो वो धनुष 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 करते रहते हैं, मेरे को नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत उसका काम मुझे बहुत मतलब जितना भी मैंने देखा बहुत बढ़िया काम किया, और क्या धनुष धनुष नया है और उसको मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो यू नो आप पहली बार देखते हैं तो ऑब्वियसली न्यू कमर की आपको उसको ज़्यादा आपको हौसला अफजाई करनी पड़ती है, और मुझे लगता क्या करूँ यार, क्या करूँ, क्या
अबे राजवाला सर राजवाला सब का खराब करेगा नीचे बैठ ना हिला दूंगा पूरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पिक्चर में तो ये शॉट नहीं था पिक्चर में हम दोनों को पकड़ के ऐसा ऐसा पकड़ के नीचे बैठ ना अरे मेरे को ही नहीं मिल रहा मैं तो नहीं मिल रहा बहुत क्यों दे रहा था मुझे पीछे कोई नहीं अच्छा इधर हाइप थोड़ा मेरा सर थैंक यू बहुत उसका रोल भी बड़ा अच्छा है मैटर ऑफ फैक्ट बहुत ही अच्छा रोल है उसको और बहुत सूट करता है उस रोल और उसका उसका पसंद आना लोगों को बहुत ज़रूरी है अगर वो लोगों को पसंद नहीं आएगा तो फिल्म के लिए गड़बड़ हो गया तो अगर लोगों को वो पसंद आ रहा है तो मतलब ये फिल्म के लिए बहुत अच्छा है अजय सर आखिरी सवाल मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो एक एक्शन का दौर था एक आपने बहुत सारे एक्शन की फिल्में की फिर कॉमेडी वापस से एक्शन में आपने कम बैक किया और काफ़ी बेहतर हाँ जी काफ़ी लोगों मुझे फ़ोन करने भैया तू एक्शन ही कर अभी 24 तो पूरा एक्शन ही है जो मेरा शो आ रहा है टेलीविजन पर वो बहुत इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड रोल तो आप लोगों को एक नहीं काफ़ी शोज मिलेंगे और काफ़ी महीनों तक नजर आऊँगा मैं टेलीविजन पर 24 में जहाँ मैंने धुआंधार एक्शन कर रहा हूँ Thank you.